हेलो गाइस, आज हम लोग वापस आए बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के साथ जो है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस। तो ये सैमसंग गैलेक्सी का जो एक प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में रिव्यू करेंगे। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम लोग के पास अभी सैमसंग का जो वेरियंट है वो 8 GB ऑफ रैम प्लस 128 GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट है और उसका जो कलर है वो कॉस्मिक ग्रे है। तो ये फ़ोन बहुत ही कमाल का फ़ोन है, ये फ़ोन दिखने में बहुत ही कमाल का। इसका जो डिस्प्ले है वो उसके क्या कहने, वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मतलब इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 6.7 इंच है, वो भी कॉर्ड HD+ डिस्प्ले और ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। और इसका जो स्क्रीन टू द बॉडी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर मैं बात करूँ इसकी कैमरा की तो इसमें हम लोग को कॉर्ड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसका जो प्राइमरी कैमरा रहेगा वो 64 MP, सेकेंडरी कैमरा 12 MP, एंड टर्शरी कैमरा 12 MP, एंड जो फोर्थ कैमरा रहेगा वो VGA डेप्थ सेंसिंग के लिए रहेगा। तो ऐसे इसके चार कैमरे हो गए। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरा की तो इसमें हम लोग को 10 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है। एक्चुअली आप मेगा पिक्सल के काउंट के ऊपर जाओ, बिकॉज जो आईफोन के फोन से थे उसमें भी हम लोग को 12 MP का कैमरा मिलता है, लेकिन सैमसंग की क्वालिटी और आईफोन की क्वालिटी, मतलब जो पिक्चर या इमेजेस की क्वालिटी है वो खाली उसके मेगापिक्सल के काउंट के ऊपर नहीं डिपेंड होती, वो उसके प्रोसेस और डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होती है। अभी मैं आपको मेरा एक वीडियो प्ले करके बताता हूँ मेरे चैनल के ऊपर का, तो आपको उसका आइडिया आ जाएगा कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है और इसका जो ऑडियो क्वालिटी है, मतलब इसके स्पीकर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो मैं अभी आपको एक मेरा वीडियो प्ले करके बताता हूँ। हेलो गाइस, आज हम लोग वापस हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन के साथ। ये ओप्पो का लेटेस्ट फोन है, ओप्पो रेनो 3 प्रो। तो ओप्पो रेनो 3 प्रो में हम लोग कौन से न्यू स्पेसिफिकेशन लिखेंगे और मैं आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताऊंगा कि ये मुझे फोन फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा लगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरे को तो पर्सनली इसके डिस्प्ले की क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, और ऊपर जो छोटा सा डॉट है उसको भी ऑप्टिमाइज कर दिया है, बिकॉज जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में जो डॉट था वो थोड़ा सा बड़ा था एज कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस। तो मेरे को ये ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छी लगी। और अगर मैं बात करूँ इसके अदर फीचर्स की तो इसमें आपको एक्जीनोस 990 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो एक 7 nm बेस्ड प्रोसेसर है और सैमसंग का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो सैमसंग ने इतना बड़ा डिस्प्ले दे दिया 6.7 इंच का, तो इसमें हम लोग को 4500 mAh वाली फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी देखने को मिलती है विद फास्ट चार्जर इन बॉक्स। अगर मैं बात करूँ इसके वायरलेस चार्जिंग की तो ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे सारे फीचर्स है। अभी हम लोग सबसे पहले इसका कैमरा ओपन करते हैं, बिकॉज इसमें हम लोग को 64 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और इसमें हम लोग को 30x का स्पेस जूम देखने को मिलता है। जैसे कि टीवी पे अभी एड्स चलते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, S20 एंड S20 प्लस, तो हम लोग के पास जो वेरिएंट है वो सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस है। हम लोग जल्दी S20 अल्ट्रा के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, इसलिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मैं आपको इसके जूम के डिफरेंस बताता हूँ कि ये 1x, देन 5x, 10x एंड 30x पे कैसा क्लियरिटी हम लोग को देता है। तो इसकी स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दी है और इसमें हम लोग को प्रो ग्रेड का मल्टी कैमरा देखने में मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इसमें हम लोग को 720p, देन फुल HD+, देन 4K एंड 8K का भी ऑप्शन देखने में मिलता है। और ये फर्स्ट स्मार्टफोन रहेगा जिसमें हम लोग को 8K का ऑप्शन देखने में मिलता है। अभी तक किसी भी फ़ोन ने 8K का ऑप्शन नहीं लाया, तो 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हम लोग को सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी के S सीरीज में देखने में मिलता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और जो 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें हम लोग को क्लियरिटी एट इट बेस्ट देखने में मिलती है। और अगर हम लोग बात करें इसके अदर फीचर्स की, जैसे कि हम लोग को इसमें अल्ट्रा नाइट मोड भी देखने मिलता है, जो इसके नाइट के क्लिक्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस होकर आएंगे। और बाद में वीडियो में हम लोग को बहुत ही एफिशिएंट स्टेडी मोड दिया गया है, तो इसकी वजह से वीडियो की स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। बाद में इसमें लोग को एक्जीनोस का 990 का प्रोसेसर मिलता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा और अच्छा फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। इसकी वजह से जो इसके AI शॉट्स है, देन बाद में गेमिंग परफॉर्मेंस है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, सारे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एट इट्स बेस्ट देखने में मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके अदर स्पेसिफिकेशन की तो इसमें लोग को ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट, देन वाईफाई, देन 4G, 3G, 2G का ऑप्शन देखने में मिलता है, देन इसमें लोग को गूगल मैप्स एंड बहुत सारे ऐसे ऐप्स देखने में मिलते हैं और इसमें लोग को टाइप सी का भी सपोर्ट देखने में मिलता है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है।
और सैमसंग गैलेक्सी S20 का जो लाइनअप है वो अभी कंपेयर होगा हुआवे P40 Pro से। तो ऐसे सारे फोन्स अभी मार्केट में आना चालू हो गए। अभी हम लोग को iPhone 12 के भी कुछ लीक्स मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से जो मार्केट में कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी देखने वाली बात रही कि हम लोग को बेस्ट कैमरा और बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सा फ़ोन ऑफर करता है। मेरे को तो सैमसंग गैलेक्सी S20 बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर। और सैमसंग गैलेक्सी S20 का जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छा है, तो वो स्क्वायर बॉक्स में आता है एट द बैक साइड, तो इसकी वजह से उसका जो एस्थेटिक लुक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। और इसमें मतलब बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, कैमरे के ऑप्शन मिलते हैं, देन AR इमोजीज मिलते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन हम लोग को इस फ़ोन में देखने मिलते हैं। आपको कौन सा फोन अच्छा लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जरूर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता था, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मैं इसे iPhone 12 और Samsung Galaxy S20 Ultra के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर आपके वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।